देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ डैम हुज लेंथ परपेंडिकुलर टू द डायग्राम इज 30 मीटर। मतलब कि ये जो थ्री डायमेंशनल इमेज है, ठीक है, और इसमें चौड़ाई भी है डैम की जो 30 मीटर है, ये पीछे तक जो देख नहीं पा रहे हम लोग, अंदर तक जो ऐसे है ना, वो तुम्हारा यहाँ पर 30 मीटर तक है, और डेप्थ ऑफ वाटर बिहाइंड द डैम इज 10 मीटर, और ये जो पानी जो पीछे डैम के जमा हो रहा है ये 10 मीटर हाइट तक पानी जो है जमा हो चुका है डैम में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द मैसनरी ऑफ विच इज़ द डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, जिस भी सीमेंट बालू से अगर बना है, कुछ भी मटेरियल से जो डैम बना है उसकी डेंसिटी है 3000 kg/m³। तुमसे पूछा जा रहा है डायमेंशन एक्स एंड 2x, ये जो लेंथ एक्स है और ये जो लेंथ 2x है, इन दोनों की वैल्यू आखिरकार कितनी होगी, ये हमारे से फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, और कंडीशन दे करके पूछ रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ द डैम इज़ 10 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट बाई वाटर। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ द डैम इज़ 10 टाइम्स, वेट जो है डैम का वो 10 गुना है, जो वाटर इस तरफ से फोर्स लगा रहा है ना उसका 10 गुना वेट है डैम का, ठीक है, तो तुम्हें एक्स और 2x निकाल के बताना है, तो इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर हम बात करें यहाँ पर कि डैम का वेट जो है कितना होना चाहिए, सो वेट ऑफ डैम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू जी, और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो डेंसिटी तो हमें पता है कि वो 3000 kg/m³ वाले से बना है, वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट कि हमारा जो ये साइड है एक्स है और ये वाला साइड जो है ये 2x है, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2x इंटू हाइट 12 हो गया, और इसका जो विड्थ है वो 30 है, ठीक है, तो ये तुमको दे देगा वॉल्यूम। ओके, एरिया इंटू हाइट कर दिया, जैसे ये एरिया है ना हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एरिया हो गया और ये हाइट, ये विड्थ हो गया 30 मीटर का, तो ये वॉल्यूम निकल गया इंटू जी हो गया 10। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 162x × 10⁵ N। इतना वेट हमें मिल रहा है इस डैम का, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो डैम का वेट है वो 10 गुना है जो भी फोर्स वाटर लगा रहा है, ठीक है, तो वाटर जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो उस फोर्स की वैल्यू होती है फोर्स ड्यू टू द वाटर, फोर्स ड्यू टू द वाटर इज इक्वल टू होती है रो जी एच अपॉन 2 इंटू एरिया, ठीक है, तो देखो वाटर है तो 10³ × g हो गई 10, और कितना डेप्थ तक है वाटर 10 मीटर तक बाई 2 इंटू एरिया, कितना एरिया टच कर रहा है डैम का, तो ये 10 मीटर तो ऊपर तक टच कर ही रहा है और अंदर तक ऐसे में 30 मीटर, तो 10 × 30 एरिया हो जाएगा, 10 × 30 विड्थ 30 है, तो ये आपको दे देगा 2 × 15। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखो तो 15 × 3, 4, 5, 6, 15 × 10⁶ N का फोर्स जो है वाटर लगा रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो वेट इज इक्वल्स टू द 10 टाइम्स ऑफ द फोर्स, तो वेट हमारा है 162x × 10⁵ इक्वल्स टू 10 × 15 × 10⁶। तो यहाँ पर से आप देखो तो 162x इक्वल्स टू 1500 हमें मिलेगा, 150 और इधर से 10, 1500 हमें मिलेगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1500 / 162, तो 1500 / 162 अगर हम लोग करते हैं तो ये लगभग 9.26 के आसपास
मीटर में आता है। दैट मीन्स कि आप एक्स और टू एक्स दोनों यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं दैट के चेक दी स्टेबिलिटी ऑफ द डैम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स ओवर टर्निंग अबाउट दी एज थ्रू अ पॉइंट ओ। अगर ओ से कोई पॉइंट है जो पास कर रही है, मतलब ओ हमारा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट क्या डैम स्टेबल है, तो उसके लिए हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। और कौन सा टॉर्क निकालना पड़ेगा, तो देखो जैसे जो भी वेट है किसका, डैम का, उस डैम का वेट किस तरफ लग रहा है, तो उस डैम का वेट जो है वो लग रहा है डाउनवर्ड, है ना, ऐसे W। और जो आपका वाटर है, ठीक है, वो किस तरफ फोर्स दे रहा है, वो फोर्स दे रहा है ऐसे दे रहा है फोर्स इस दीवार पे। तो ये चाहेगा कि डैम को फोर्स लगा के ऐसे घुमा दे, और वेट चाहेगा नहीं हम इसको अभी स्टेबल रखें। कहने का मतलब कि अगर आपका टॉर्क ड्यू टू दी वेट, टॉर्क टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द डैम इक्वल हो जाता है टॉर्क ड्यू टू वाटर थ्रस्ट या फोर्स, तो ये डैम स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो अगर ओ हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हमें ये पता करना होगा कि जो हमारा वेट है, वेट की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है ओ से। तो वो ये डिस्टेंस है, ये वाली, अगर हम ये निकाल लेते हैं तो वर्क वेट इनटू दिस कर देंगे, ये डिस्टेंस कर देंगे, तो हमारा टॉर्क ड्यू टू वेट आ जाएगा। और ये वाटर जो थ्रस्ट लगा रहा है डैम पे, वो तो बीच में लगा रहा होगा, 10 मीटर है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना, मेन हमें वेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है कैलकुलेट यहाँ पर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर कितनी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो चलो हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट का बनाना। तो यहाँ पर जैसे वाटर जो हमारा है उसके लिए पहले निकाले या फिर वेट के लिए, तो चलो पहले वेट के लिए टॉर्क निकाल लेते हैं। तो वेट के लिए अगर टॉर्क निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वाले डायग्राम को दो पार्ट में बांट देना है, एक हो जाएगा ट्राइंगल और एक हो जाएगा रेक्टेंगल। क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये भी आपकी एक्स ही होगी, ठीक है, और ये भी एक्स होगी क्योंकि टोटल 2x है। तो इसकी जो एरिया है वो कितनी हो जाएगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 6x। और इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, x इंटू 12x, 12 लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स कि एक की एरिया है 12x और दूसरी की एरिया है 6x, ठीक है। एंड ये जो ट्राइंगल है इसकी सेंटर कहाँ पर होगी, इस ट्राइंगल की सेंटर कहीं यहाँ पर होगी, और डैम में जो ये पार्ट है, ये रेक्टेंगल, उसकी सेंटर कहीं यहाँ पर होगी। इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट हमें देखने होंगे, जिसे हम सी वन और सी टू कह देते हैं, ठीक है, सी वन एंड सी टू। एक्स कोऑर्डिनेट ही केवल देखने से पता चल जाएगा। तो देखो जैसे कि हमारा ये पॉइंट है 0,0, ओरिजिन माना 0,0, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा जीरो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही मान रहे हैं, सो दिस इज़ एक्स कॉमा जीरो, दिस वन इज़ ऑल्सो एक्स कॉमा 12, सो आपका सेंट्रोइड आ जाएगा एक्स बाई थ्री, सॉरी 2x/3। और सी टू कितना हो जाएगा, तो इधर से एक्स और इधर से एक्स बाई टू, दैट इज 3x/2। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट हमने सेंटर के निकाल लिए हैं। तो अगर हमें इन दोनों का एक सेंटर ऑफ मास चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास इज़ इक्वल्स टू एरिया वन एक्स वन प्लस एरिया टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एरिया वन प्लस एरिया टू। एक की एरिया 6x है और उसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट है 2x/3। दूसरी की एरिया है 12x और उसकी एक्स कोऑर्डिनेट है 3x/2 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 12x।
यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2, 2 2 या 4, 4x² प्लस ये 2 इंटू 6, 6 इंटू 3, 18x² बाई 18x, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4, 22x डिवाइडेड बाई 18 मीन्स 11, 2 इंटू 11, 2 इंटू 9, 11x/9 जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेट का ओ से, तो ये आपका टॉर्क ये इधर वाला तो आ गया। नेक्स्ट है टॉर्क ड्यू टू वाटर थ्रस्ट, तो अगर हमें टॉर्क ड्यू टू वाटर थ्रस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट यहाँ पर ये देखना होगा दैट कि ये कितना टॉर्क लगा रहा है इस वाले वॉल पे, तो उसके लिए हम लोग साइड व्यू देखेंगे वॉल का, कुछ इस तरह का होगा ठीक है। और ये जो डैम है इसकी डेप्थ की विड्थ 30 मीटर है और 10 मीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है। हम लोग एक एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से जो कि एक्स डेप्थ पे है और इस पे हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं ठीक है। टॉर्क निकालने के लिए पहले फोर्स लिखते हैं इस एलिमेंट पे, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर हमारा है रो जी एक्स इनटू एरिया है 30 इनटू dx ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए टॉर्क तो टॉर्क आप लिखोगे df ओके इनटू दिस, समझ रहे हो। अगर आपसे कोई पूछे दैट कि यहाँ पर टॉर्क जो है वो कितना होगा, तो ओ से कितना ऊपर है ये, अगर ओ से बात करो आप, ये फोर्स जो लग रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये फोर्स मान लो df यहाँ पर लग रहा है, तो ये कितना ऊपर होगा, क्योंकि ये x है इसका जो हाइट हो जाएगा ये 10 माइनस x होना चाहिए, तो इस वजह से टॉर्क अगर लिखना होगा तो df में हम लोग मल्टीप्लाई किसको करेंगे, O से ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 10 माइनस x को, और इसकी लिमिट होगी 0 से पूरा ऊपर 10 तक, तो df कितनी हो जाएगी रो जी एक्स इंटू 30 dx इंटू 10 माइनस x। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे, जो जो कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर कर देते हैं, तो कांस्टेंट है 30 रो जी और यहाँ पर हमारा बच रहा है 10x-x²dx, इसी की इंटीग्रेशन हम लोग केवल कर रहे हैं यहाँ पे, तो 30 रो जी 10x हो जाएगा 10x²/2 -x³/3, इसकी इंटीग्रेशन होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक, तो टॉर्क यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू वाटर है इसीलिए 10^3 × g 10, ये 10/2 हो जाएगा 5x² मतलब 100 -1000/3 ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, 5x² - x³/3 और 30 रो जी, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सारे वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए हैं, अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने जाते हैं तो देखो आपका वैल्यू यहाँ पर किस तरह से आसानी से कैलकुलेट हो पाएगा, आप सारे 10 को एक साथ रख दो, सो 3 1 4 1 5 और 3 3 LCM हम लोग एक कट जाएगा 10^5 और 5 × 3 1500 -100, 5 × 3 यहाँ पर देखो 1500 है, -100 कर रहे हो सो 1400, तो ये आपका एक्चुअल में, मैं फिर से इसे एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, सॉरी तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ 3 × 10^3 4 एंड 5 ओके। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 1000 है ना ओके, सो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 10³ 1000 होगा ना, सो 1500 हो जाएगा -1000, 3 3 कैंसिल, सो 5 × 500 हो जाएगा ना यहाँ पे, और
अगर यहाँ बात करें हम लोग 1500 माइनस 1000 तो 500, एक मिनट, तो 3 एंड 3 कैंसल्ड और हमारा यहाँ पर आ चुका है 10 टू द पावर 5 माइनस इंटू 500। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये आपका आ चुका है 5 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पर जो टॉर्क पहले था और जो टॉर्क अभी है वो यहाँ पर निकालना है। तो ये तो टॉर्क तुम्हारा थ्रस्ट की वजह से आया ना, ये वाला टॉर्क अभी निकालना बाकी है, टॉर्क ड्यू टू वेट। सो टॉर्क ड्यू टू वेट इज इक्वल्स टू वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11x/9। तो वेट हमारा कितना था, वेट हमारा था 162 एक्स इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 11x/9, और हमने एक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 162 इंटू एक्स हमने निकाला था 9.26 इंटू 9.26 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जा रहा है 169.78 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना जीरो है, 6 है इधर और यहाँ पर 6 7 8, 169 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है टॉर्क ड्यू टू द वेट वो काफ़ी ज़्यादा है, टॉर्क ड्यू टू द थ्रस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो ये स्टेबल है, डैम क्या है, स्टेबल है। ओके, इसी तरह से इसे हमें सॉल्व करना था।